अब खबर उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद से है, जहां फरुखाबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। फरुखाबाद में शादी के दौरान दूल्हे का पैर फिसल गया और दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया है। छठी भांवर पर दूल्हा मंडप में गिरा और दुल्हन ने शादी करने से किसी भी तरह से इनकार कर दिया। बीती रात आपको बता दें, जनपद कन्नौज के कस्बा गुरसाईगंज क्षेत्र के मोहल्ला गांधीनगर से दूल्हा सचिन पुत्र प्रमोद बारात लेकर फरुखाबाद के फतेहगढ़ आया था, जिसमें स्वागत सत्कार व द्वारचार आदि कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुए थे। सुबह विवाह के समय भांवरे पड़ रही थी, उसी समय छठी भांवर पर दूल्हा मंडप में अचानक गिर गया, जिस पर फतेहगढ़ मोहल्ला हाथीखाना निवासी दुल्हन बनी युवती ने शादी से इनकार कर दिया। काफी मान मनोबल के बाद भी दुल्हन ने शादी करने से दूल्हे के साथ साफ तौर से इनकार कर दिया है, जिसके बाद दूल्हा सचिन के पिता प्रमोद ने दुल्हन के पिता से जेवर वापस दिलाए जाने को पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल की है, लेकिन अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि छठी भांवर पर जैसे ही दूल्हा मंडप के नीचे गिरा, उसके बाद तुरंत दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। दूल्हे की तरफ से काफ़ी बार लड़की वालों को समझाए जाने के बाद भी दुल्हन किसी भी तरह से शादी करने को तैयार नहीं हो रही है। खैर, पुलिस मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए है और मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी कर रही है। आइए आगे आपको सुनाते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले पर दूल्हे का क्या कुछ कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज। क्या बात हुई थी, क्या वो? शादी नहीं करेंगे और जो है ना माल जेवर देंगे ना कुछ। माल जेवर की तो ले लो, माल जेवर जो हमारी कान की है, नाक की है, गले का मंगल।